of institutions. बच्चों चैप्टर फोर नहीं फिफ्थ तक आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अब मैं यूनिट टेस्ट सेकंड का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट टेस्ट में आपके चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर ये आपके यूनिट टेस्ट सेकंड में आने हैं। तो मैं आज के वीडियो में चैप्टर थर्ड व्याकरण पुनरावृत्ति पार्ट थर्ड ये आपको रिवाइज करा दी, ठीक है। ये चैप्टर आपका यूनिट सेकंड में आना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है व्याकरण पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है फिर से आवृत्ति, यानी फिर से दोहराना, ठीक है। तो व्याकरण की आवृत्ति हम कर रहे हैं यानी रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने पढ़ा था धातु, धातु का मतलब क्या होता है क्रिया, पुरुष परिचय, हिंदी में परिचय लिखेंगे, यानी धातु और पुरुष के बारे में आपने पढ़ा इस चैप्टर में, धातु यानी वर्ग, ठीक है। तो आप देखिए हम पहला टॉपिक लेते हैं पुरुष परिचय। संस्कृत में तीन पुरुष मैंने आपको बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और थर्ड नंबर है उत्तम पुरुष, ठीक है बच्चों। जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। तो वैसे ही संस्कृत में भी तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है वो होता है प्रथम पुरुष, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष, जैसे सा, तो, ते, इसी का स्त्रीलिंग आ जाएगा सा, ते, ता, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। ये जो है कर्ता, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष के अंतर्गत ये कर्ता आते हैं सा, तो, ते, पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में तत, ते, ता में आ जाता है, ठीक है। स्त्री और नपुंसक लिंग में क्या आएगा तत, ते, ता, ये है फर्स्ट पर्सन। अब देखिए सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है, बात को सुनने वाला, हम जो बात कह रहे हैं हमारी बात को सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, ठीक है। और मध्यम पुरुष में कौन से कर्ता आते हैं, त्वं, युवां, यूयम, ठीक है, ये मध्यम पुरुष की कर्ता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, तुम घर जाओ, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब अपना कार्य करो, यानी जो हम बात कह रहे हैं हमारी बात को ये सुन रहे हैं कौन, तुम, युवाम और यूयम, तो ये क्या है मध्यम पुरुष के कर्ता है। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वक्ता होता है, वक्ता यानी बात को कहने वाला, जो अपनी बात को कह रहा है वह होता है उत्तम पुरुष। तो इस तरह से तीनों पुरुष आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनके कर्ता देखिए, उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं, अहम, आवाम, वयम, ठीक है, अहम मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। जैसे कि मैं घर जाता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब अपना कार्य करेंगे, तो देखिए ये तीनों ही कर्ता अपनी बात को कह रहे हैं यानी ये वक्ता है।
और जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में आपने पढ़ा पुरुष, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर, इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिंग, लिंग परिचय। लिंग परिचय में क्या है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। ठीक है, ये तीन लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिन शब्दों से स्त्री का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, और नपुंसक लिंग जिनसे ना पुरुष और ना ही स्त्री का बोध हो वो किस, वो शब्द किस में आते हैं, नपुंसक लिंग। क्लियर, तो संस्कृत में कौन से तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी आपने पढ़ा पुरुष परिचय, दूसरा आपका पॉइंट था लिंग परिचय, अब तीसरा क्या है, धातु, धातु यानी क्रिया, ठीक है, जिसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब आपको पता ही है, और आपकी बुक में बच्चों इसके एग्जाम्पल दिए हुए धातु के, और किस तरह से पांचों लकारों में इसके रूप चलते हैं ये भी दिया हुआ है। तो आप अभी फिलहाल पट धातु के रूप पढ़ेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले आप उनका उच्चारण बहुत अच्छी तरह से करना सीखें और उसके बाद उनका रूप याद करें। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बताते चले कि संस्कृत में पांच लकारें होती हैं, संस्कृत में पांच लकारें होती हैं, आपको बताते हैं, लकार, लकार होती है पांच, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, याद करनी है। तो अभी आप इतना काम करेंगे